हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। सो आई हूं तुलसा मरिया। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंदर जो इश्यू चल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और जीएस पेपर 2 मेंस के लिए, वो आज के दिन इतना हमारे देश में न्यूज में है, खासकर आज पिछले 2-3 दिनों से, 18 से 20 दिसंबर आज हो गया और शायद आने वाले टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो इश्यू है, आपने अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा हुआ, और नहीं पढ़ा तो बस ये आप आज का पूरा लेक्चर मेरा देख लीजिए, आपको वो इशू आपको कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो जैसा कि अब हम स्टार्ट करने वाले, आपको दिखाता हूं मैं आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है सेक्शन 144, जो कि कॉलोनियल टाइम्स की एक वेस्टिज बताई है आज के आर्टिकल ने। ओके, वो हमारा जो आर्टिकल है आज, आप या तो देखिए, मैंने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें, हिंदू की वेबसाइट पर जाइए और ये आर्टिकल आप, क्योंकि पढ़ने से क्या राइटिंग स्किल अच्छी होती है, समझा मैं देता हूं लेकिन जाके पढ़िएगा जरूर कि है क्या इसके अंदर। ओके, तो ये आज आर्टिकल आया हिंदू के अंदर, और हिंदू में से आपने पढ़ना है आज, और नहीं पढ़ क्या क्या पढ़ना है वो हमने हाईलाइट करके आपको दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बता देते कि सेक्शन 144 न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये दो इशू बहुत न्यूज के अंदर हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर कोई कह रहा है कि सेक्शन 14 का वायलेशन है, और कई कम्युनिटीज काफी एक तरह से कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ये दो बिल पास किए गए हैं, और जिसकी वजह से जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे। सबसे पहले दिल्ली के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बार दिल्ली के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है सेक्शन 144 इंपोज करने के बाद। सेक्शन 144 वहां पे इंपोज होता रहता है लेकिन इंटरनेट बंद नहीं होता, आज वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया है। उसके बाद अहमदाबाद के अंदर भी लाठीचार्ज हुआ है। उसके बाद मैंगलुरु, चेन्नई, देखिए नॉर्थ से साउथ पहुंच गए हम, और सेक्शन 144 एक साथ पूरे देश में इतनी जगह इंपोज किया गया है। उसके बाद संभाल में हुआ है जहां पे बस को आग लगा दी है, उसके बाद बेंगलुरु में हुआ है। उसके अलावा आप देखिए इधर राइट साइड में लिस्ट ऑफ डिटेनीज दी है, लिस्ट ऑफ डिटेनीज के अंदर आप देखिए सबसे पहला जो नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, रामचंद्र गुहा का। रामचंद्र गुहा, आपने अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक अच्छा विद्यार्थी हैं, तो आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, तो कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को वो अरेस्ट कर रहे हैं। सेकंड योगेंद्र यादव, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं और एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, और साथ में स्वराज इंडिया नाम की एक पार्टी भी चलाते हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, उनको भी कल अरेस्ट किया गया है। उसके बाद हर्ष मंदार, सीताराम येचुरी सीपीआई के जो सबसे बड़े नेता हैं वो, प्रकाश करत अगेन सीपीआई के, वृंदा करत, डी राजा, इन सबको कल अरेस्ट किया गया है अलग अलग जगह पे, और सबने इन्होंने क्या किया था, सेक्शन 144 का एक तरह से उल्लंघन किया था। तो आज अब देखेंगे हम कि आखिर ये सेक्शन 144 है क्या। तो सबसे पहले सेक्शन 144 क्या है, सेक्शन 144 एक सीआरपीसी का सेक्शन है, सिंपल सी बात है। सीआरपीसी समझ रहे हो, हमारी जो कानून की किताब है उसमें जो क्रिमिनल ऑफेंस जहां पे लिखे गए हैं कि कौन से ऑफेंस करने की क्या सजा आपको मिलेगी, वो है। तो सीआरपीसी के अंदर जो सजा होनी है वो है एक सीआरपीसी, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 144, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, देखिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के ऊपर बोल्ड आपको दिखा देता हूं यहां पे किया हुआ है, ध्यान रखना इधर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के ऊपर बोल्ड है जो, वो इसलिए किया है कि इंडिया के अंदर सजा सुनाने की या फिर कोई भी अगर सेक्शन इंपोज करने की अधिकार दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, जुडिशियल ऑफिसर्स को। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अपने एग्जीक्यूटिव कौन है, एसडीएम, डीएम, डीसी, ये सब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में आते हैं, इन सबको एक तरह से अधिकार देता है कि अगर आपके एरिया के अंदर कोई अशांति फैला रहा है उनके एरिया के अंदर, तो वहां पे सेक्शन 144 इंपोज करने के बाद आप वहां पे शांति व्यवस्था बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अनइमेजिनेबल पावर, मतलब कि अनइमेजिनेबल, बहुत ज्यादा एक तरह से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दे देता है ये, किस किस के लिए, और इसका बेस क्या बनाते हैं, देखिए वो भी बताया, ह्यूमन लाइफ, अगर ह्यूमन लाइफ को खतरा है, अगर हेल्थ को खतरा है, अगर सेफ्टी को खतरा है, और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का इश्यू हुआ है कि मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, अगर जो आराम से आदमी रह रहे हैं सब, अगर उनकी जान माल को कोई खतरा है, तो वो डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए सेक्शन 144 को इंपोज किया जाता है। आजकल देखिए आपने दिल्ली में देखिए पथराव हो रहा है, और कश्मीर में तो होता ही रहता है, तो इतने पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, और जब जब ऐसा होता है तो एग्जीक्यूटिव के पास पावर आती है कि डेंजर को एप्रीहेंड कर सकते हैं वो, सेक्शन 144 मिला के। अब बार बार मैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आएगी, और अगर आपने सेक्शन 144 को ढंग से नहीं पढ़ा है तो अगर आप फिर सिंपल लॉजिक लगाएंगे कि यार सेक्शन अगर इंपोज करना है ये तो जुडिशियल ऑफिसर्स के पास पावर होती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास पावर थोड़ी होती है। यहां
आपको ये वाला हमारा आज का सेशन है वो इंपॉर्टेंट आपको वहां पे काम आएगा। अब आगे चलते हैं, ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जाता है किस किस बेसिस के ऊपर सेक्शन 144 इंपोज किया जा सकता है। तो ये जो चार एक्सेप्ट ये स्लाइड के अंदर आपको सामने दिख रहा है, ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये आपने ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। तो ये सारा ये वाली स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए, हमारे प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। लगता है आज आपको स्लाइड ज्यादा दिखाने थी तो स्पेस कम है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूं प्रीलिम्स के लिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात कर ली प्रीलिम्स की, इसके बाद मैं आपको बात कर रहा हूं जीएस टू पेपर की, जीएस टू। अब जीएस टू के अंदर आप किस तरीके से इसको यूज करेंगे वो आपको मैं आने वाली स्लाइड में बताने वाला हूं। तो चलिए जीएस टू के अंदर, जीएस टू के अंदर देखिए जब भी आपसे हमारा जो यूपीएससी है वो बड़े बैलेंस्ड क्वेश्चन या बहुत बैलेंस्ड आंसर मांगता है, तो यूपीएससी के अंदर आप जीएसटी को किस तरह से यूज करेंगे, यहां पे वो यूं कहेगा कि देखिए इवन दो देयर इज अ मिसयूज ऑफ सेक्शन 144 एंड देयर इज अ पब्लिक परसेप्शन दैट कि दैट वी आर मिसयूजिंग द सेक्शन 144, और वो ये भी कह सकते हैं कि इवन दो सेक्शन 144 इज अ लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा बट स्टिल इट इज हाईली रेलिवेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, ओके, या प्रेजेंट कंडीशन इन इंडिया। तो वहां आप टैकल कैसे करेंगे उसका आंसर यहां आपको सामने दिया है, नीड फॉर सेक्शन 144 की नीड क्या है, सेक्शन 144 का कि इवन दो इट इज ए कॉलोनियल लेगेसी बट स्टिल नीड क्या है। तो थ्योरी के अंदर क्या इन्होंने देखे, सेक्टर सेक्शन 144 कहता है कि बहुत नोबल आइडियाज हैं, नोबल आइडियाज कैसे कि अगर कभी एक्सेप्शनल टाइम आ जाए, एक्सेप्शनल टाइम मतलब कि जैसे कि आपको मैंने अभी चार पॉइंट बताए हैं, तो उस टाइम के अंदर अगर आप सेक्शन 144 को यूज करते हो तो पब्लिक पीस आप एक तरह से मेंटेन रख सकते हो। तो पब्लिक पीस क्या हो गया, एक नोबल आइडिया हो गया। तब कीवर्ड क्या है, नोबल आइडियाज, कीवर्ड आपका नोबल आइडियाज, ओके, गेटिंग। नेक्स्ट, रादर देन सिंपली कंफर्मिंग कार्टे ब्लैंच अप्रोच अपॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्शन 144 सर्कमस्क्राइब्स दीज पावर बाय स्टिपुलेटिंग कंडीशंस दैट मस्ट बी कंपाइल्ड विद बिफोर एनी ऑर्डर कैन बी पास्ड। तो ये यूं कह रहा है कि अगर ऑर्डर पास करवाने जाएंगे तो बहुत सारा जान माल का नुकसान हो सकता है, और उससे पहले उस पूरे एरिया को एक तरह से सर्कमवेंट, ये पूरे प्रोसीजर को सर्कमवेंट करके एक बहुत अच्छा ऐसा तरीका निकाला है सेक्शन 144 ने, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, वो मेंटेन रख सकते हैं, जो पब्लिक की हेल्थ को प्रिवेंट किया जा सकता है, ओके। अब आगे की देखिए कि एज ए रूल, अब क्या है कि देखिए जब भी कोई सेक्शन इंपोज किया जाता है तो उसके बहुत सारे रूल होते हैं, यूं नहीं कि मुंह उठाया और डीएम ने लागू कर दिया, तो कुछ ना कुछ उनको भी आगे से अपनी रिपोर्ट के अंदर सफाई देनी पड़ती है ना कि ऐसे कैसे आपने रूल ये इंपोज कर दिया। तो देखिए एज ए रूल जब भी सेक्शन 144 मस्ट बी पास आफ्टर गिविंग प्रियर नोटिस, कि पहले आप नोटिस दीजिए किनको जो एडवर्सली इफेक्ट होंगे और उनसे कंसल्ट कर लीजिए। तो आज के दिन अगर किसी एरिया के अंदर जब सेक्शन 144 इंपोज किया जाता है तो क्या होता है कि इस प्रोसेस को एक तरह स्किप कर दिया जाता है, ना तो डीएम बात करता किसी से, ना कोई पॉलिटिकल ऑर्डर आता है और डीएम एक तरह से अपने सेक्शन 144 को इंपोज कर देता है, ना तो जिन कम्युनिटीज को उसका बैड इफेक्ट होना है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है वो, और कोई भी ना वो जो अफेक्टेड पर्सन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको टेकन केयर ऑफ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि सेक्शन 144 को एक तरह से पास करवाना पड़ता है, समझ रहे। अगली बात, अब नेक्स्ट चलिए, तो आगे आप क्या करेंगे, आप ये बताएंगे, तब जब प्रॉब्लम के अंदर आप बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या है, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, आखिर इश्यू क्या है, तो इश्यू के अंदर आप यही बताएंगे उनको कि देखिए सेक्शन 144 बहुत नोबल आइडिया है और उसको पास करने के लिए सर्टेन चीजें चाहिए, लेकिन क्योंकि हम उन चीजों को, वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से सेक्शन 144 के अंदर अप्लाई करने के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ना कि सेक्शन, एक तरह से साफ शब्दों में आपको बताऊं तो कि सेक्शन 144 बुरा नहीं है, सेक्शन 144 को अप्लाई करने का तरीका बुरा है, अगर कानून का हम आधा पालन कर रहे हैं पूरा पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कि जितना भी क्रिटिसिज्म है वो सेक्शन 144 का है। आगे कैसे लिखेंगे ये देखिए, सो इवन वन पर्सन मे नॉट हैव बीन हर्ड प्रियर टू पासिंग ए नोटिस दे कैन बी हर्ड सब्सिक्वेंटली। अब ये यूं कह रहे हैं कि देखिए अच्छा चलिए सुन, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या हम कहेंगे पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब सेक्शन 144 को लागू हो रहा है आपने पहले बात नहीं की तो कम से कम बाद में तो कर लीजिए, यहां तो सरकार बाद में भी बात नहीं करती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा उग्र होता रहता है आंदोलन, और जिसकी वजह से जो सेक्शन 144 का फिर अगेन क्रिटिसिज्म होता है, फिर वो कहते हैं कि इट इज अ गैगिंग सेक्शन, कि हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जो हमारे पास राइट टू फ्री स्पीच है उसका उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का उल्लंघन हो रहा है, ये सब बातें कह रहे हैं। अब अगला पॉइंट, दस व्हेन 144 ऑर्डर बीइंग इंपोज्ड
जब दंगों के टाइम में 144 ऑर्डर का इंपोजिशन आता है तब उस वक्त व्हाट दैट एक्चुअली रेफर्स टू इन ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन, कि जब जब कोई दंगे होते हैं उस वक्त अगर बिना पूछे जो हमारे डीएम हैं या और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं अगर उस वक्त कोई ऑर्डर पास कर देते हैं तो एक तरह से वो इस सेक्शन के अंदर ऑर्डर पास कर रहे हैं। किस सेक्शन के अंदर? किस सेक्शन के अंदर? इस वाले सेक्शन है, मतलब कि बाद में बात कर लेंगे। लेकिन इशू क्या हो रहा है? बाद में बात नहीं कर रहे हैं, वो बाद में भी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब आगे आपका कंक्लूजन, देन स्पेसिफाइज सर्टेन थिंग्स दैट शैल बी डन बिकॉज द ऑफिसर कंसिडर दैट दीज स्टेप्स विल प्रिवेंट डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्टर्ब। ये सारी एक तरह से एक्सप्लेनेशन ही दी है कि क्यों क्यों वो सेक्शन 144 को हम एक तरह से क्यों हम सेक्शन 144 को इंपोज कर रहे हैं। लेकिन इशू क्या आता है कि जब पब्लिक को, जो अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं उनसे ना तो हमारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पहले बात करते हैं और ना ही बाद में बात करते हैं। बस यही आपने देखना है, आपने कहना है कि सेक्शन 144 बुरा नहीं है पेपर में, लेकिन क्योंकि सेक्शन 144 को ढंग से लागू नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से सारा इश्यू होता है। अब क्रिटिसिज्म की जब हम बात करते हैं, मैं आप वैसे मैक्सिमम चीज आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो देखिए दैट ओनली चेक प्लेस्ड अपॉन द ऑफिसर, ये आ गया है कि चेक एंड बैलेंसेज क्या क्या है। द ओनली चेक प्लेस्ड ऑन द अपॉन द ऑफिसर बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 इज वेदर और नॉट इज सैटिस्फाइड हिज कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब कि अगेन द कॉन्शियंस मतलब कि तुगलकी, बात खत्म, कि अगर मेरे को लग रहा है, अगर मैं एक आज के दिन किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूं और मुझे लग रहा है कि मेरे को सेक्शन 144 मेरे को इंपोज कर देना चाहिए तो कर दूंगा, बिना चाहे मैंने कोई ऑर्डर, मैंने कोई वो बेस्ट प्रैक्टिसेस की है नहीं की, इस बात से भाड़ में जाए दुनियादारी, लेकिन भाई मैंने तो कर दिया इंपोज, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए, However, there is nothing in the statute itself that says the executive order can only do A, B or C, say prevent any disturbance of the public tranquility. तो ये कह रहे हैं कि executive order के अंदर और executive officer के पास इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बचती हैं, सिर्फ यहीं तक रोका नहीं गया उसको कि आपको यही करना है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर डीएम के एरिया के अंदर लात घुसे चल रहे हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसको डायरेक्ट उठा के सेक्शन 144 इंपोज करना है, और सेक्शन 144 इंपोज करने का भी एक तरीका होता है, ये कह रहा है वो। ओके, अगला, तो इवन दो देर आर पावर्स टू चैलेंज सच ऑर्डर्स अपील और रिट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इवन दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट देर एप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्स दैट व्हाट ऑफिसर हिमसेल्फ थॉट। ऑब्वियसली बात, अगर कोर्ट में भी जब बाद में बात जाएगी तो क्या कहेगी वो, बात क्या ही कहने वाली है भाई, मेरे को है कि मेरे को था कि मेरी कॉन्शियंस को लगा कि यहां पे तो सेक्शन 144 इंपोज कर देना चाहिए क्योंकि लोग अपने एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे तो मैंने कर दिया। तो इवन जब कोर्ट के अंदर बात जाती है उस वक्त भी कुछ ज्यादा कुछ कोर्ट कर नहीं पाती। तो फाइनली अब एट बेस्ट दे कैन मेक श्योर दैट प्रोसीजर वाज करेक्टली फॉलोड, जो मैं शुरू से बात कह रहा हूं वही फिर से कह रहा है कि प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं हो रहा है, सेक्शन 144 को इंपोज करने का प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि अभी जितना भी है वो बस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, कुछ नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बस उसकी मर्जी है, बस उसकी कॉन्शियंस है। तो क्योंकि आगे देखिए लाइन में लिखा है बट दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट देयर जजमेंट फॉर दैट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि जो कोर्ट में जो बंदा बैठा है वो क्या ऑफिसर की बात समझ पाएगा? अगर नहीं समझ पाएगा तो उसको ऑब्वियसली बात है कानून के हिसाब से एग्री करना पड़ेगा। तो जज भी क्या करें, जज का भी हाथ बंधा हुआ है, जब सेक्शन 144 के अगर केस लगते हैं तो, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि डीएम की कॉन्शियंस पे होगा जो होगा, इसकी वजह से ये सारा इशू मामला यहां पे अटका हुआ है। तो आगे कंक्लूजन के अंदर देखिए आप सिंपली ये ही कोट कर सकते हैं, कोट अनकोट कर सकते हैं, दस टू सम अप सेक्शन 144 इज अ यूजफुल टूल टू हेल्प डील विद इमरजेंसीज, के इमरजेंसी के टाइम में ऑब्वियसली बात है सेक्शन 144 को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउएवर, क्योंकि आगे देखिए भाई, एब्सेंस टेलरिंग ऑफ द वाइड एग्जीक्यूटिव पावर विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कपल्ड विद वेरी लिमिटेड ज्यूडिशियल ओवरसाइट ओवर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच मेक इट राइट फॉर अब्यूज एंड मिसयूज। तो कुल मिला के अब तक जो मैंने रामगाथा गई वही हमने कंक्लूड कर दिया, क्योंकि ले दे के बात वही है, हम जब भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट कभी कानून को गलत नहीं बता सकता, हमें इवेंचुअली क्या करना है, हमें कहना है कि हमें इसको और अच्छा कैसे करना है। तो होपफुली आपको सेक्शन 144 अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर आपने काफी डायमेंशन आपने बताई, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो आप न्यूज चैनल पर सुनते हो वो मैं नहीं बताई, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं करनी, हमें क्या करना है आपका पेपर क्रैक करवाना है, और आपका पेपर क्रैक करवाने के लिए ये इंफॉर्मेशन अगर आप लिख के आओगे तो आपको 10 में से 6 नंबर मिलेंगे, बता रहा हूं मैं, हो सकता है ढंग से लिखोगे तो, यूं मत कहना सर मैंने तो कॉपी कर दिया था आपका तब भी 6 नंबर नहीं मिले, ढंग से करोगे तो। इससे अच्छा आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस मुश्किल ही मिलने वाला है, क्योंकि
एनालिसिस का इश्यू क्या होता है कि हम बहुत इधर उधर के एंगल में चले जाते हैं और पॉइंट पर ध्यान नहीं देते। तो पॉइंट टू पॉइंट आपने हर एक एंगल इसी तरीके से पढ़ना है, कभी किसी कानून को फालतू में क्रिटिसाइज नहीं करना। ओके, तो चलिए मैं अतुल सांवरिया, आज आपके लिए इतना ही सेशन है ये। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, सारी सीरीज सेक्शन डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, जाके देखिए और मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए विदाउट एनी कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच।